क्या नाम है आपका? जहांगीर। तो आप यहाँ दिल्ली में आए रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के रहने वाले। यहाँ कब से आए हुए? तकरीबन 10 साल। यहाँ आपको क्यों आना पड़ा? यहाँ क्यों आना पड़ा वेस्ट बंगाल से? यहाँ क्यों आना पड़ा भाई? आना पड़ा, अभी कहीं भी जाएंगे भाई कमाने खाने के लिए तो होना पड़ेगा भाई। वहाँ पे काम करते हैं। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? कितने सदस्य हैं आपके? मेरे परिवार में तकरीबन होगा 6 कुल मिला टोटल। शादी हो गई? हाँ। बच्चे कितने हैं आपको? दो चार। दो बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तो छोटे छोटे बच्चे। आप पढ़े हुए हैं? हाँ। कितना पढ़े हैं आप? 12th पढ़े हैं। आगे क्यों नहीं पढ़ाई कर पाए 12th से? आगे आप पैसे के चक्कर में, पैसे की दिक्कत से आप ये काम करना। आपके पापा क्या करते हैं? आप पहले क्या मत दुकान करते हैं? किसी चीज़ की दुकान है? वेस्ट बंगाल में यही पर? हाँ, वहीं पे छोटा दुकान। आप कब से रहे वेस्ट बंगाल? 10 साल से आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ भाई, 10 साल। तो यहाँ आप इसमें कितना कमा रहे थे? यहाँ पे 6,000-8,000। या आपके ये रिक्शा खुद खुद का आपका खुद का रिक्शा है आपका? खुद का ही है। अच्छा, तो यहाँ पे आप रेंट पे लेके रह रहे हैं? हाँ। तो उसका कितना किराया है? 4,000। अब कितने रुपए आप बचा लेते हैं? कितने घर बेचते हैं? मैं देख लूँ रोज का। तो अकेला अभी सिंगल बीवी बच्चे तो है घर पे है, ठीक है। अभी रोज का मानते हैं सिंगल बंदा की 200 रुपये खर्चा होता ही है, चाहे परिवार लेके रहो चाहे ऐसे रहो, ठीक है। अगर होटल में भी खाने जाएंगे तो रोज का एक टाइम की 70-80 रुपये की खर्चा है, करना ही पड़ेगा। 100-200 रुपए तो बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके क्या करेंगे। अभी इतना महंगा ज्यादा है भाई, बसपा की वो है भाई, महंगा तो हर टाइम बढ़ते जा रहा है भाई, क्या करेंगे। और कमाई उतना ही है, जहाँ 10 रुपये की किराया है वहाँ 10 रुपये ही है, 15 रुपये नहीं बढ़ाया भाई। ठीक है, शुक्रिया।